तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप ओपन किया है और यहाँ पर दोस्तों मैं नॉर्मली किसी चैट को ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये ओपन हो रही है। इसी तरह से दोस्तों मैं सेकंड चैट ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये भी इजीली ओपन हो गई है। अब दोस्तों मैं ये थर्ड वाली चैट को ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, यानी कि दोस्तों जब तक मैं इसमें पासवर्ड एंटर नहीं करता हूँ तब तक ये चैट ओपन नहीं होगी और ना ही दोस्तों मैं इसे पढ़ सकता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर देता हूँ 1 2 3 4 एंड दोस्तों आप देखते हैं ये चैट ओपन हो गई है। तो इस तरह से दोस्तों मैं इस फ्रेंड की चैट को ओपन कर सकता हूँ। सो गाइस, आपका भी कोई ऐसा फ्रेंड है या फिर गर्लफ्रेंड है जिसकी चैट आप नहीं चाहते हैं कि कोई पढ़ पाए और आपका फ़ोन लेने के बाद भी वो उसकी चैट को देख ना सके दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली अपने व्हाट्सएप में एक छोटी सी ट्रिक को यूज़ करना है। और क्या है दोस्तों ये ट्रिक, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। सो गाइज, इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है और प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, लॉकर फॉर वर्ड्स चैट ऐप सिक्योर प्राइवेट चैट। तो दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में पहले तो इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको इसे ओपन करना है इस तरह से, और ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर पासवर्ड सेट करना है, तो चलिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3 4। तो दोस्तों इस तरह से फिर से आपको पासवर्ड वेरीफाई करना है, तो चलिए मैं यहाँ पर सेम पासवर्ड दोबारा से एंटर कर देता हूँ। अब इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा वहाँ पर आपकी ईमेल एंटर करने के लिए कहा जाएगा, यानी कि दोस्तों पासवर्ड रीसेट करने के लिए अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो इस ईमेल आईडी से रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों ईमेल एंटर करने के बाद अब सेव के इस बटन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों एक पॉपअप विंडो ओपन होगी जिसमें आपके फ़ोन की एक्सेसिबिलिटी परमिशन मांगी जाएगी, तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसे इनेबल कर देना है। अब नेक्स्ट इंटरफेस में फ्रेंड्स आप अपने फ़ोन की एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पर आपको बॉटम साइड में स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो होगा लॉकर फॉर वर्ड्स चैट ऐप, तो दोस्तों आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और दोस्तों इस तरह से जो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा यहाँ पर आपको इसे इनेबल करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको इस टॉगल बटन पर क्लिक करके इस ऑप्शन को इनेबल करना है। अब दोस्तों एक पॉपअप आएगा तो यहाँ पर आपको इसको भी इनेबल कर देना है। सभी परमिशन अलाउ करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आप ये बॉटम साइड में प्लस का ये जो आइकन देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है और आपकी व्हाट्सएप चैट लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब जिस फ्रेंड की चैट को आप लॉक करना चाहते हैं दोस्तों उसको आपको इस तरह से सेलेक्ट करना है, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे इस तरह से वो इस लॉकर ऐप में ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर जितनी भी चैट ऐड करेंगे उन सभी पर लॉक लग जाएगा, यानी कि दोस्तों उनको आप बिना पासवर्ड के ओपन नहीं कर सकते हैं। और यहीं से दोस्तों आप इस पासवर्ड को मैनेज भी कर सकते हैं, यानी कि विदाउट पासवर्ड सेट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इसे रिमूव करना है तो सिंपली सेलेक्ट के इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ से दोस्तों आपको रिमूव कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने व्हाट्सएप की किसी भी चैट को लॉक कर सकते हैं और उस पर पासवर्ड लगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।